हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी डिसन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बायजूस असम प्रीमियर क्लब T20 चैंपियनशिप के जो कि मैच होने वाले हैं इंडिया क्लब वर्सेस टेंगापुरा सीसी के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से स्मॉल लीग में लेके जा सकते हैं, कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ग्रैंड लीग में लेके जा सकते हैं, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टनशिप और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहने वाला है उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते एक बार और लास्ट में हमारी फैंटासी टीम देख लेते एक बार कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से अवॉइड करके जा सकते हैं, ये सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इसमें कि इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पूरी टूर्नामेंट कवर की जाएगी इसी चैनल पर। इसके साथ साथ ओमान T10, इसके साथ साथ मलेशिया T20 और यहां से ECL T10 भी। कल बहुत सारी मैचेस है, 10 मैचेस है, लेकिन इतनी सारी मैचेस तो कवर करना पॉसिबल नहीं, लेकिन जितनी हो सके उतनी ECL T10 भी यहां से कवर की जाएगी। तो ये सारी मैचेस यही चैनल पर मिलने वाले, तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी सॉरी, टेलीग्राम से जुड़ने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दिया, तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाएगा और यहां से YouTube से भी ज्वाइन हो सकते हो, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको यहीं पर ही मिलती रहेगी। तो बात करें इस मैच की, तो ये मैच सुबह दोपहर में 1 बजे यहां से, सॉरी टाइमिंग थोड़ा सा मिस मैच, यहां से दोपहर में 1 बजे यहाँ से अमीगांव क्रिकेट ग्राउंड गुवाहाटी असम में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट की बात करें तो वैसे तो बैटिंग फ्रेंडली पिच है, लेकिन दोनों ही टीम जो है यहाँ से बुरी तरह से हार के आ रही है, तो यहाँ से ज़्यादा कुछ एक्सेप्टेशन नहीं करेंगे इनसे, लेकिन यहाँ से पहली बैटिंग करने वाली टीम को बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज मिलने वाला है, क्योंकि 19 मैचेस खेले गए अभी तक, जहाँ पर 11 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीती है, 8 बार सिर्फ चेजिंग करने वाली टीम ने जीती है। और यहाँ से ये जो आंकड़े असम T20 के, इससे पहले वुमन में भी हमने देखा था कि पहले बैटिंग करने वाली टीम को बहुत सारा एडवांटेज था, तो यहाँ से जो भी टीम पहले टॉस जीते के पहले बैटिंग करना पसंद कर सकती है। तो बात करें यहाँ से टीम इंडिया क्लब की, तो एक मैच खेली, एक मैच वो हार के आ रही है, पहले मैंने बता दिया आपको प्रदीप सरकार यहाँ से ओपनिंग कर रहे हैं। वैसे ओवरऑल उनके रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ से 62 मैचेस के अंदर 65 विकेट्स भी हैं, हालांकि उन्होंने ओवर्स नहीं की, थोड़े से यहाँ से सरप्राइज किया हमको सरप्राइज किया, बाकी यहाँ से एवरेज उनकी काफ़ी अच्छी है यहाँ से बैटिंग से बॉलिंग से। तो अगर कोई अच्छी चॉइस ना मिले तो ऐसे प्रदीप सरकार आपके लिए अच्छी चॉइस होने वाले, एज अ प्लेयर ट्राई कर सकते हो, परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बाकी यहाँ से परवेज मुशर्रफ, ये प्लेयर आपके लिए सीधा पिक रहने वाला है, ज़्यादातर शायद जनता उनको लेके ना जाए, लेकिन ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। 83 मैचेस के अंदर 147 विकेट्स हैं, लास्ट मैच में सिर्फ 2 की गेंदबाजी की जहां पर भी एक विकेट निकाल के आए थे, बाकी 36 के एवरेज उनके बैटिंग से भी है। तो इवन कैप्टनशिप और वाइस कैप्टनशिप के लिए हमारे लिए परवेज मुशरफ एक अच्छी चॉइस होने वाले हैं। और यहां से पाकिस्तान में परवेज मुशरफ नहीं है, ये हमारे इंडिया के परवेज मुशरफ है, यहां से असम वाले, तो यहां से इनको हम कैप्टनशिप या वाइस कैप्टनशिप देखे जा सकते हैं। समीक दास काफी अच्छे प्लेयर्स है, लास्ट मैच के अंदर 0 रन किए, 1 ही ओवर की गेंदबाजी की, थोड़े से सरप्राइज किए यहां से, बाकी यहां से पूरी ओवर करवानी चाहिए, तो अगले मैच के अंदर शायद आपको पूरी वॉच करते हुए नजर आ जाए ऐसे समीक दास। तो ज्यादातर जनता उनको लेके नहीं जाएगी, लेकिन इनके ऊपर भी आप अच्छा यहां से रिस्क ले सकते हो। शुभजीत पॉल 1 ओवर की गेंदबाजी करते हुए 1 विकेट निकाली थी, बाकी ओवरऑल रिकॉर्ड्स उनके ठीक ठाक है, यहां से बैटिंग से भी ऊपर आएंगे और ओवर्स भी लगभग 2-3 ओवर्स तो कम से कम करवा सकते हैं। लास्ट मैच में ज्यादा ओवर्स करने का मौका नहीं मिला, तो यहां से 1 ही ओवर की गेंदबाजी की, लेकिन इसमें भी 1 विकेट निकाले थे, तो अगली मैच की बात करो तो 2-3 ओवर्स करते हुए नजर आ सकते हैं। प्रशांत कुमार थोड़े से नीचे खेल रहे हैं, बाकी ओवरऑल उनके भी रिकॉर्ड्स तो ठीक ठाक है, 25 के करीबन रन है, यहां से राइट बैटिंग करवा लेते, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करवा लेते, बॉलिंग से ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, क्योंकि वैसे भी उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है यहां से बॉलिंग के, और यहां से इनके भी कुछ आंकड़े नहीं इतने खास बॉलिंग के, तो यहां से पार्ट टाइमर को तो ये टीम ज़्यादा प्रीफर नहीं करेगी। बैट्समैन यहाँ से रिहान जोमिल मजुमदार काफी अच्छे बैट्समैन है, हो सकता है बैटिंग से थोड़े से ऊपर भी आ सकते हैं, तो एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं, लेकिन अभी के लिए थोड़े से रिस्की रहने वाले रहन जमील मजुमदार थोड़े से रिस्की रहने वाले। इनको आपको ट्राई करना हो तो यहाँ से डिफरेंशियल चॉइस पर ट्राई कर सकते हो। इवन एक बार आप 4 मेंबर 11 मेंबर ये वाली टीम मैच खेलते हो, या फिर यहाँ से मिनी ग्रैंड लीग या ग्रैंड लीग वगैरह खेलते हो, तो इनके ऊपर आप एक रिस्क ले सकते हो, रिस्की प्लेयर है। रुद्रजीत डेका के ओवरऑल रिकॉर्ड्स काफी अच्छे, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, 48 मैचेस के अंदर 77 विकेट है, और वैसे भी आपको मालूम होगा कि ये पिच पर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स कितना अच्छा करते हैं, तो यहाँ से इनको एक बार रिस्की तौर पर जरूर ट्राई कर सकते हो। रुद्रजीत डेका, अरमान खान ओके पिक रहेंगे, बैटिंग से काफ़ी नीचे आया था और ओवर्स करवाई नहीं थी, तो इतने भी खास कुछ रिकॉर्ड नहीं, और हो सकता है कि अगर 4-5 विकेट गिर जाए तभी उनकी बैटिंग आ सकती है, बाकी तो बैटिंग आने के चांसेस काफ़ी कम है। शेखर ज्योति वर्मा इंपॉर्टेंट पिक रह सकते हैं, वो हो सकता है पूरी ओवर्स करवा सकते हैं अगली मैच के अंदर, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स एक और, तो यहाँ से अच्छी पिक है, इनको जरूर ट्राई करना है। अमर कलिटा तो ओके पिक रहेंगे,
स्मॉल लीग के लिए काफी रिस्की रहने वाले, ग्रैंड लीग वगैरह में ट्राई कर सकते हो। परीक्षित बारिक बनिक की बात करो, राइट हैंडेड बैटिंग करवा लेते प्लस राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करवा देते। 3 ओवर्स की गेंदबाजी की थी जहां पर विकेट उनको नहीं मिला था, लेकिन ओवरऑल उनके रिकॉर्ड्स काफी अच्छे, कभी भी आपको 1-2 विकेट एक साथ में लेते हुए नजर आ सकते हैं। स्टार्टिंग ओवर्स की बात करते हो, यहाँ से परवेज मुशरफ और यहाँ से एस पॉल यहाँ से स्टार्टिंग ओवर्स में दिखेंगे। डेथ ओवर्स यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि यार आई थिंक शायद 12 या 13 ओवर्स की मैच हुई थी, तो यहाँ से डेथ ओवर मेंशन करना थोड़ा सा मुश्किल रहा था। बाकी यहाँ से डेथ ओवर्स की बात करूँ तो कौन डाल सकता है, यहाँ से समीक दास डाल सकते हैं, समीक दास यहाँ से डेथ ओवर्स में गेंदबाजी कर सकते हैं। यहाँ से रोमिन मजुमदार की तरफ से भी एक आधी गेंदबाजी आना बाकी है, तो ये कुछ प्लेयर हैं। बाकी अमर कलिटा भी ओवर्स कर सकते हैं, तो ये भी डालेंगे तो यहाँ से डेथ में ही डालेंगे, तो यहाँ से ये जो प्लेयर्स है आपको थोड़े से मेंशन करके रखना है। बाकी बेंच की बात करें तो यहाँ से जो भी खेलेगा इनके स्टेट्स आपको टेलीग्राम में जरूर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। टेंगापारा सीसी भी बुरी तरह से हार के आ रही है, अर्नब नाथ सरकार ने यहाँ से ओपनिंग किया था, 2 रन का ही स्कोर किया था, टीम बहुत ही कॉलेप्स हो गई थी, बहुत ही जल्दी कॉलेप्स हो गई थी यहाँ से, तो सिर्फ 2 रन के स्कोर कर पाई थी यहाँ से अमरनाथ सरकार। तो वैसे भी इतने कुछ खास आंकड़े नहीं है, और आई थिंक इस मैच के लिए भी डेंकापरा सीसी हारने के चांसेस इनके थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं, क्या ओवरऑल रिकॉर्ड के हिसाब से और पेपर के हिसाब से तो ये काफ़ी यहाँ से वीक टीम लग रही है इस टूर्नामेंट की ही। शुभंकर घोष उन्होंने भी अपने घर 0 रन किया था, तो ये दोनों प्लेयर को अगर कोई अच्छी चॉइस ना मिले तभी ट्राई करेगा। बाकी मंशूर अली के आंकड़े काफ़ी अच्छे हैं और लास्ट मैच में के अंदर भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो मंशूर अली को एक बार जरूर ट्राई कर सकते हो। रोहित चंद तो ओके पिक रहेंगे, लेकिन 4th नंबर पर आके 15 रन की पारी खेली थी, वैसे ओवरऑल रिकॉर्ड्स भी ठीक ठाक है, तो बैटिंग सेक्शन में अगर कोई अच्छी चॉइस ना मिले तभी ट्राई करेगा। बाकी सुजीत नंदी को जरूर मैं अपनी टीम में लेके जाने वाला हूँ, लास्ट मैच के अंदर 0 रन का स्कोर भले ही किया लेकिन एवरेज उनकी काफ़ी अच्छी है, यहाँ से करीबन 46 की एवरेज है, 26 की एवरेज है और यहाँ से 10 विकेट भी निकाले 36 मैच के अंदर, तो आपको बैटिंग से अच्छा कर सकते हैं यहाँ से सुजीत नंदी, तो इनको जरूर ट्राई करिएगा। बाकी सम्राट विश्वास इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं, बैटिंग से बॉलिंग से दोनों इसे अच्छा कर सकते हैं, ओवर्स पूरी करवाएंगे हर एक मैच के अंदर, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है और विकेट चटका सकते हैं। रजा मलिक को जरूर ट्राई करेगा, डेथ ओवर्स में एक आधी गेंदबाजी कर सकते हैं, और वैसे ओवरऑल उनके रिकॉर्ड्स भी काफ़ी अच्छे, 21 मैच के अंदर 39 विकेट है, तो हर एक मैच के अंदर लगभग आपको एक आधी विकेट चटका रहा नजर आ सकता है। शायन बैनर्जी के ओवरऑल रिकॉर्ड्स तो हमको नहीं मिले, लेकिन लास्ट मैच के अंदर 3 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट निकाली, तो ज़्यादातर जनता इनको लेके आएगी, तो आप भी एक बार जरूर उनको लेके जा सकते हो। बाकी कुछ डिफरेंस करना चाहो तो ओवरऑल सारे रिकॉर्ड्स में आपको बता के जा रहा हूँ। बाकी प्रेम चौहान यहाँ से शुभम दास और यहाँ से उत्तम बसपोर, ये तीनों को आप ट्राई कर सकते हो, तीनों के बॉलिंग रिकॉर्ड काफ़ी अच्छे हैं, तो इस मैच की बात करूँ और इस टीम की बात करूँ तो यहाँ से ज़्यादातर आप फोकस रख सकते हो बॉलर्स पर, क्योंकि टीम कोलैप्स करवा जाएगी, यहाँ से बॉलर्स भी थोड़ी अच्छी बैटिंग भी कर सकते हो, प्लस ओवर एक आधी विकेट निकाल देंगे तो यहाँ से अच्छे पॉइंट्स लेके जा सकते हैं। बाकी बेंच से अगर कोई खेलेगा तो इनके स्टेट्स आपको टेलीग्राम में जरूर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो चलिए देख लेते हैं हमारी फैंटेसी टीम कौन सी रहने वाली है, कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से अवॉइड करके जा सकते हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में से मैं मंशूर अली के साथ जाऊंगा, क्योंकि एनाथ सरकार का इतना कुछ खास परफॉर्मेंस लगा नहीं था, लेकिन एनाथ सरकार थोड़े से ऊपर बैटिंग करे ओपनिंग करे तो इनको आप जरूर ट्राई कर सकते हो। बाकी पी कुमार को आप ले सकते हो, प्रवीण प्रशांत कुमार इनको ट्राई करना हो तो कर सकते हो। आर सेन ने लास्ट मैच के अंदर अच्छे पॉइंट्स दिए थे, लेकिन यहाँ से कैचिंग स्टंपिंग से ही दिए होंगे, 15 रन किए थे बैटिंग से और यहाँ से 2 कैच के वगैरह करके यहाँ से 41 पॉइंट्स दिए थे, तो इनको आप अपनी अकॉर्डिंग ट्राई करना हो तो कर सकते हो। बैटिंग सेक्शन की बात करते हैं, ऐसे एस घोष, एस नंदी और यहाँ से आर जोमिल को मैंने लिया हुआ है, क्योंकि और कोई अच्छा ऑप्शन है नहीं हमारे लिए। पी सरकार वगैरह को ट्राई करना हो तो कर सकते हो, मैंने ऑप्शन सारे बता दिए आपको। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करते हैं, ऐसे आर मलिक, एस विश्वास को लिया हुआ है मैंने, विश्वास की बात करूँ तो उनके रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे, इसके लिए मैंने पिक किया हुआ। बाकी परवेज मुशरफ और यहाँ से बैनर्जी हमारी टीम में रहने वाले, आर डेका को आप जरूर लेके जा सकते हो अपनी टीम के अंदर, लेकिन बैटिंग से थोड़े से नीचे आ रहे थे और एक ही ओवर की गेंदबाजी की थी, तो इसके लिए थोड़े से रिस्की रहेंगे। बाकी बॉलिंग सेक्शन की बात करो तो पी चौहान यहाँ से एस पॉल को लिया हुआ है और यहाँ से आर पी बनिक को लिया हुआ है, 3 ओवर की गेंदबाजी की थी, विकेट एक भी नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड्स के हिसाब से मैंने पिक किया हुआ है। बाकी आप सेफ जाना चाहो तो यहाँ से एस दास आपके लिए सबसे बेस्ट चॉइस रहने वाली है, एस दास मीन्स शुभम दास, तो इनको आप ट्राई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो मेरी टीम को जिस तरह से रह सकती है, कैप्टन हमारे रहेंगे यहाँ से परवेज मुशरफ और वाइस कैप्टन के तौर पर अभी के लिए मैंने यहां से एस विश्वास को दिया हुआ है, लेकिन इसमें भी मैं बहुत सारे चेंजेस कर सकता हूं, तो फाइनल टीम आपको मिलेगी टेलीग्राम में फाइनल लाइनअप के बाद, तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने लिंक अटैच कर दिया, इनके से अगर लिंक वर्क ना करो टेलीग्राम में जाकर सर्च करिएगा फैंटेसी डिसन चैलेंजर, या फिर आप सर्च कर सकते हो @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा, सिंपली उसे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल मेरी स्मॉल लीग की टीम आपको यहीं पर मिलने वाली है। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सरप्राइजली वीडियो के साथ, तब तक आप पूरे वीडियो देखते रहो, अच्छा एनालिसिस करते रहो, अच्छी टीम बनाते रहो, अच्छी विनिंग करते रहो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब चैनल को। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।